गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपके यूनिट सेकंड से सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर क्लास के बायोलॉजी की क्लास में रहता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें और याद करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्यों होता है सेल डिवीजन, ये सारी चीजें हमको पहले समझना जरूरी है। तो देखो बच्चों, वृद्धि एवं प्रजनन जीवों का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण लक्षण होता है। हर जीव वृद्धि करता है और प्रजनन करता है, ये दोनों क्रियाएं कोशिकीय प्रजनन या विभाजन के कारण होती है। कोशिकीय विभाजन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं गुणन, डुप्लीकेशन या अपनी ही जैसी कोशिकाओं को पैदा करती हैं। एक कोश की जीव सीधे कोशिका विभाजन द्वारा ही प्रजनन करते हैं, जबकि बहुकोश की जीवों में भी प्रजनन के समय कोशिका विभाजन के द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है, निषेचित युग्मनज का विकास होता है। इसका जीवन और कोशिका अर्थात एक कोशिका अर्थात युग्मनज से शुरू होता है, जो बार बार रिपीटेडली डिवाइड होकर के ऊतक, अंग, अंक तंत्र और अंत में संपूर्ण शरीर को संगठित करता है। इससे अलावा जब भी कोई बाहरी या आंतरिक घटना के द्वारा चोट लग जाती है या किसी दूसरे कारण से कोशिकाओं की क्षति हो जाती है, तब भी इसकी पूर्ति कोशिका विभाजन के द्वारा ही की जाती है। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि कोशिका विभाजन या पुनरुत्पादन जीवों के जीवन के लिए एक बहुत आवश्यक घटना है, जो उसके प्रजनन, वृद्धि, विभेदनता अर्थात डिफरेंशिएशन एवं निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। नगेली नाम के जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने नगेली ने 1846 में सबसे पहले इस तथ्य को स्पष्ट किया कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पादित होती हैं और संख्या में बढ़ती हैं। इसी प्रकार रुडोल्फ वर्ची 1855 ने भी इस बात को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन पादपों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का विवरण सबसे पहले किसने दिया था? स्ट्रांसबर्गर। स्ट्रांसबर्गर ने 1870 में तथा जंतुओं में फ्लेमिंग ने 1882 में दिया, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन वेलर ने 1920 में किया। बच्चों, ये ऐतिहासिक तथ्य इसलिए जोड़ना जरूरी था ताकि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो वहां पर ये सारे तथ्य बता सकें। नेक्स्ट देखते बच्चों, कोशिका विभाजन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन प्रजनन और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों ही के समय उन सूत्रों को ठीक ठाक वितरण संतति कोशिकाओं में किया जाता है। कोशिका विभाजन का सबसे पहले विस्तृत अध्ययन वेलर ने 1920 में किया, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। कोशिका विभाजन या कोशिकीय प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। कितने टाइप का होता है? तो पहला है समसूत्री या कायिक कोशा विभाजन, जिसको कहते हैं माइटोसिस और सोमैटिक सेल डिवीजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री या न्यूनकारी कोशिका विभाजन, जिसको कहते हैं मियोसिस और रिडक्शन सेल डिवीजन। और तीसरा होता है असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समसूत्री जो होता है कायिक सेल्स में होगा, हमारी सोमैटिक सेल्स में होगा। अर्धसूत्री जो होता है रिडक्शन सेल डिवीजन होता है, जो कि होता है जननी कोशिकाओं के अंतर्गत। आसूत्री विभाजन जो होता है वो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। शेष दोनों ही प्रकार के इसके पहले के जो समसूत्री हैं और अर्धसूत्री हैं, दोनों मुख्यतः दो चरणों में पूरे होते हैं। पहले विभाजन को कहते हैं हम केंद्रकीय विभाजन, जिसमें कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, और दूसरे विभाजन में क्या होता है? कोशिका का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। दूसरे विभाजन को कोशाद्रव्य विभाजन कहते हैं। अर्थात दो चरणों में जो कोशिका विभाजन होता है वो दो चरणों में होता है। अब हम आते हैं समसूत्री कोशा विभाजन या कायिक कोशा विभाजन, जिसको माइटोसिस सेल डिवीजन या सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं।
समसूत्री का अर्थ होता है सूत्री अर्थात माइटोजेनिक थ्रेड। वह कोशिका विभाजन है जिसमें मूल या मात्र कोशिका दो इक्वल समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती। दैट इज नोन एज समसूत्री सेल डिवीजन। इक्वल पार्ट इसके दोनों में हो जाते हैं। इस विधि में एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, आकार में समान होती हैं और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भी कैसी होती है, समान होती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक सेल साइकिल में कि किस प्रकार से सेल साइकिल या समसूत्र विभाजन की घटनाएं हैं। तो पहले ये इतनी बड़ी जो आप देख रहे हो बच्चों, ये है पूरा का पूरा इंटरफेज प्रावस्था। इंटरफेज प्रावस्था क्या है कि कोशिका जैसे सेल डिवाइड होती है उस समय वो विश्राम अवस्था में रहती है, अपने लिए आवश्यक चीजों का प्रोटीन का डीएनए का सिंथेसिस करती है, उसके सेल्स ऑर्गेनाइज बढ़ते हैं, उसकी उसके जो अनुपात में उसमें वृद्धि होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इंटरफेज में होती हैं, अर्थात एक्टिव प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है जो जीवन फेज कहलाता है। दूसरा होता है एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तीसरा होता है जी2 फेज यानी ग्रोथ फेज जिसमें क्या होता है ये 10-20% पूरे तरीके से ये तैयार हो जाती है आगे के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट टू डॉटर सेल्स हमको प्राप्त होती है। तो ये एक सर्कुलर वे में एक डायग्राम है जिससे आपको समसूत्री कोशा विभाजन बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें समसूत्री कोशा विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है इसलिए इसे दैहिक या कायिक कोशा विभाजन भी कहते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जो जीव हैं जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, अलैंगिक प्रजनन भी इसी के द्वारा करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक इत्यादि। समसूत्री विभाजन तीन अवस्थाओं में पूर्ण होता है, इसके तीन फेज होते हैं। पहला है तैयारी अवस्था या अंतरावस्था जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और इंटरफेज। इसको हम विभाजन के पूर्व की अवस्था को तैयारी अवस्था भी कहते हैं। ये ध्यान देना बच्चों, तैयारी अवस्था को जनरली इतना ध्यान नहीं रखते लेकिन ये भी एक कोशा विभाजन के पहले होने वाली इम्पोर्टेंट घटना है। इसमें क्या होता है, कुछ कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ होने के तुरंत पहले की अवस्था ही क्या कहलाती, तैयारी अवस्था होती, जबकि कई कोशिकाओं में यह अवस्था पूरी दो विभाजनों के बीच के समय के बराबर होती, इसलिए इसे विभाजन अंतराल भी कहते हैं। इस अवस्था की तीन उप अवस्थाएं होती। पहली होती है वृद्धि उप अवस्था या प्रथम जीवन फेज, यानी ये जो हो गई तैयारी अवस्था, ये तैयारी अवस्था अगेन तीन भागों में बट जाती है, जीवन, फिर हो गया एस फेज और तीसरी हो गई जी टू फेज। ये याद रखना शॉर्टकट में। इस अवस्था में नए केंद्रक तथा कोशिका के लिए किस चीज का सिंथेसिस होता है, आरएनए और प्रोटीन का। इसके लिए आवश्यक विकर यानी एंजाइम कोशिका के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें कोशा विभाजन चक्र के पूर्ण समय का 30-40% टाइम लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्ण रूप से खुले एवं पतले होते हैं। ये हो गई जीवन फेज। अब इसके बाद आते हैं संश्लेषण उप अवस्था या एस फेज। इसमें क्या होता है, संश्लेषण के नाम से स्पष्ट है, इसमें डीएनए का अनुलिपिकरण किया जाता है। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए का अनुलिपिकरण होता है। डीएनए की मात्रा विभाजन के पूर्व कितनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाता है। और इसमें डीएनए और हिस्टोन का संश्लेषण होता है जिससे गुणसूत्र जो है लंबाई में द्विभाजित दिखते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र से दो अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। 30 से 50% समय इस अवस्था में व्यतीत होता है। फिर आता है वृद्धि उप अवस्था या द्वितीय फेज G2 फेज। इस अवस्था में डीएनए का निर्माण पूरा हो जाता है, नई कोशिका के लिए जितने भी आवश्यक प्रोटीन है, आरएनए है, उस दूसरी वस्तुओं का संश्लेषण हो जाता है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है और 10-20% टाइम इसमें लगता है। इसके बाद आता है एम उप अवस्था या माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में सूत्री विभाजन की वास्तविक क्रिया, अब मतलब यहाँ से जो है वो वास्तविक रूप से कोशा विभाजन चालू होता, अर्थात पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसमें कितनी हो जाएंगी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, चार फेज हो जाती है।
सूत्री विभाजन चक्र का 5 से 10% समय लगता है। वास्तव में केंद्रक तथा कोशाद्रव्य विभाजन इसी उप अवस्था के दो चरण हैं। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला हमने पढ़ा संश्लेषण अवस्था G2 फेज, वो वाला अपना अध्ययन कर लिया। उसके बाद अब आ गया M उप अवस्था, जिसको M फेज बोलते हैं या माइटोटिक फेज बोलते हैं, और इसमें चार अवस्थाएं होती हैं। लेकिन मेन अगर हम देखें तो केंद्रक और कोशाद्रव्य विभाजन ही इसके मुख्य दो अवस्थाएं हैं। आप देखते हैं केंद्रक अवस्था, केंद्रक विभाजन। विभिन्न जीवों में तैयारी अवस्था अलग अलग समय की होती है। इसके तुरंत बाद कोशिका के केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है। समसूत्री विभाजन का केंद्रकी विभाजन जो होता है चार अवस्थाओं में होता है। प्रोफेज पहली अवस्था हो जाएगी, दूसरी हो गई मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। अर्थात जो केंद्रक डिवाइड होता है वो चार अवस्थाओं में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक डिवाइड न्यूक्लियर डिवीजन की पहली अवस्था, जिसको कहते हैं पूर्वावस्था। इस केंद्र की विभाजन को प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का क्रोमेटिन जाल संघनित होकर क्रोमोसोमों का निर्माण करता है। धीरे धीरे गुणसूत्र छोटे और मोटे होते जाते हैं। इस समय इन्हें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा भी जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट रूप से सेंट्रोमियर पर जुड़े दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद जंतु कोशिकाओं के सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल कोशिका के अंदर ध्रुवीकरण करने लगते हैं और दो ध्रुवों पर चले जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल या ध्रुवों के बीच बहुत से तंतु बनकर तरकु के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन तंतुओं को तरकु तंतु या स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। लेकिन पौधे की कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, फिर भी तरकु और तरकु तंतु का निर्माण होता है। ये तरकु तंतु ही संकुचित होकर गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर ले जाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में केंद्रकीय झिल्ली और न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाते हैं और गुणसूत्र तरकु की मध्य रेखा की तरफ गति करने लगते हैं। अभी ये थोड़ा थ्योरी समझो बच्चे, इसके बाद डायग्राम्स में बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या आ गई? मेटाफेज। यह सूत्री विभाजन के केंद्रिक विभाजन की दूसरी अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक मोटे और छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। गुणसूत्र सबसे अधिक मोटे और छोटे हो जाते हैं। ये तर्कु तथा कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं कि सभी गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर एक तल पर मध्य रेखा पर आ जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर, गुणसूत्र की बाहें प्रायः ध्रुवों की ओर होती है। इस समय गुणसूत्रों को पंक्ति में लाने का कार्य तर्कु तंतु करते हैं, जो विशेष प्रकार के प्रोटीनों के बने होते हैं। कुछ तर्कु तंतु दोनों सेंट्रियोलों से जुड़कर तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। सेंट्रियोल तंतु गुणसूत्रों के बने तर्कु को एक ही साथ तर्कु उपकरण कहते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र इतने स्पष्ट होते हैं कि इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। इस अवस्था में मनुष्य के सभी 46 गुणसूत्रों को आसानी से देखा जा सकता है। मतलब मध्यावस्था क्या हो गई कि गुणसूत्र आप क्रोमेटिन जो है वो मोटे होने लगते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है और मध्य रेखा में ये अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है एनाफेज। इस क्रिया में सबसे पहले सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं, जिसके कारण एक गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से और दो गुणसूत्र बना लेते हैं। इसके बाद दोनों नए गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। इस समय यह अर्ध गुणसूत्र यू वी जे या एल आकार का ले लेते हैं। गुणसूत्रों की यह गति सेंट्रियोलों को जोड़ने वाले तर्कु तंतुओं के संकुचन या सिकुड़न के कारण होती। क्या होता है, वो खींचते हैं तर्कु तंतु थे अपनी तरफ ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तर्कु तंतु गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचते हैं। इसके अतिरिक्त संतति गुणसूत्र के मध्य एक दूसरे से दूर हटने का कारण प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स का होना भी हो सकता है। फिर इसके बाद में आती है लास्ट केंद्रक विभाजन की अंत्यावस्था या टीलोफेज। इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं।
इसके बाद गुणसूत्र पतला लंबा होकर क्रोमेटिन जाल बना लेता है, केंद्र की झिल्ली और केंद्रिका पुनः बन जाती है, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल विभाजित होकर दो सेंट्रियोल बना देता है, तर्कु उपकरण समाप्त हो जाता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अर्ध गुणसूत्र संतति कोशिकाओं में पूर्ण गुणसूत्र बना लेते हैं। इस प्रकार अंत्यावस्था में पूर्वावस्था के ठीक विपरीत क्रियाएं होती हैं, परिणाम स्वरूप दोनों ध्रुवों पर दो केंद्रक बन जाते हैं, प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है, मतलब जो मात्र कोशिका में थी वही इसमें भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फेज होती है, अब क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन हो गया, गुणसूत्रों का विभाजन हो गया, केंद्रक का निर्माण हो गया। इसके बाद होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, अर्थात केंद्रक के बाद कोशिका द्रव्य और उसके जो अंगक है सेल ऑर्गेनेल्स वो भी आपस में बटेंगे ना, यानी बंटवारा हो रहा तो हर चीज कैसी बटेगी, बराबर बराबर। दो भाइयों में जैसे बंटवारा हो तो हर चीज बराबर बराबर बांटते हैं, ऐसे कोशिका भी क्या कर रही है समसूत्री में, बराबर बराबर पूरी चीजें ले रही है। इसमें एक कोशिका से दो विकसित कोशिकाएं बन जाती हैं। यह क्रिया जंतुओं और पौधों में भी अलग अलग विधियों द्वारा होती है। यहाँ मैंने दोनों में अलग अलग लिखा ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ भूले ना। जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में कोशाद्रव्य संकीर्णन के द्वारा विभाजित होता है, दोनों केंद्रकों के बनने के बाद तर्कु उपकरण की मध्य रेखा पर कोशिका में संकीर्णन पैदा होकर गहरा होने लगता है और अंत में गहरा होकर दोनों तरफ से जुड़ जाता है और कोशिका दो बराबर संतति कोशिकाओं में बट जाती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कोशाद्रव्य विभाजन दोनों केंद्रकों के मध्य से कोशा पट्टी के निर्माण द्वारा पूरा होता, कोशा पट्टी जो होती है तर्कु उपकरण की मध्य रेखा पर डिक्टियोसोम के आशयों और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा झिल्लीमय रचनाओं के रेखीय रूप में एकत्रित होने और उनके फ्यूजन से बनती। यह कोशिका पट्टी मात्र कोशिका की भित्ति से जुड़कर कोशिका को दो संतति कोशाओं में बांट देते। इस प्रकार समसूत्री विभाजन के बाद मात्र कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही बराबर होती है। इस विभाजन में 6 मिनट से लेकर कई घंटे तक का समय लग सकता है। सामान्यतः कोशिका विभाजन चक्र 18 घंटे में पूरा होता है, जिसमें 45 मिनट का समय प्रोफेज से टेलोफेज तक की अवस्थाओं में और 17 घंटा अंतरावस्था में लगता है। ताप तथा पोषाहार विभाजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विष। कुछ विशिष्ट पदार्थ ऐसे हैं जो या तो समसूत्री विभाजन को रोकते हैं या इसे प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों को समसूत्री विष कहते हैं। कोल्चिसिन ऐसा ही पदार्थ है जो तर्कु निर्माण की क्रिया को रोककर मध्यावस्था को स्थिर कर देता है। इसी प्रकार राइबोन्यूक्लियेज प्रकीर्ण प्रोफेज अवस्था को रोककर मस्टर्ड गैस गुणसूत्रों को खंडित करके समसूत्री विष की तरह कार्य करते हैं। अगर इन पदार्थों की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाए तो ये मर जाती है। अब हम इसके बेटा डायग्राम देखेंगे जो कि आपको सेल डिवीजन को और अच्छे से स्पष्ट कर देगा। यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था केंद्रक विभाजन की अवस्था, इंटरफेज अवस्था आ गई थी। इंटरफेज में कोशिका की अंतराल अवस्था कहलाती, इसमें जरूरी प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, डीएनए के उनका भी सिंथेसिस होता है। इसके बाद आती है प्रोफेज अवस्था, जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उनके जोड़े बन जाते हैं और ये क्रोमोजोम क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। धीरे धीरे इनमें तर्कु निर्माण होता है और ये कहाँ आ जाते हैं, एक सीध में एक लाइन में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अर्ली मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज के बाद तर्कु निर्माण, तर्कु तंतु उपकरण बन जाता। एनाफेज अवस्था में क्या होते हैं, ध्रुवों की तरफ ये खिंचने लगते हैं, ये इस तरफ और ये इसके विपरीत ध्रुव रिपल्शन के कारण खिंचने लगते हैं। फिर इसके बाद जब अर्ली टेलोफेज आता है तो यहाँ पर आने के बाद में सेल के जो केंद्रक है वो दोनों बराबर भागों में बट जाते हैं और उसके बाद कोशाद्रव्य का विभाजन होता है। इसको और सुंदर कलरफुल डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं, द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। इस डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इंटरफेज, इंटरफेज के बाद आ गई प्रोफेज स्टेज। यहाँ पर लेट प्रोफेज में ये सब क्रोमेटिड स्पष्ट दिखने लगते हैं। मेटाफेज में ये लाइन पर इकट्ठे होते हैं और तर्कु तंतु तर्कु उपकरण का निर्माण हो जाता है। एनाफेज में ये वी यू जे या एल शेप लेकर के अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और वहां जाकर के
यहाँ पर पुनः नए केंद्रकों का निर्माण होता है, मात्र कोशिका के बराबर गुणसूत्रों की संख्या रहती है और उसके बाद इसमें कोशाद्रव्य का विभाजन हो करके दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों ये था समसूत्री कोशा विभाजन। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्धसूत्री कोशा विभाजन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।